नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि सिंघल एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार एक किसान था, उसके पास एक गधा था। वो गधा थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। वो गधा जो है किसान के खेत में ऐसे घूमता रहता था। तो एक दिन वो गधा जाकर एक कुएं में गिर गया। किसान ने देखा कि अच्छा, गधा कुएं में गिर गया। उसने देख के पता लगाया कि कुआं पुराना था और गधा भी बूढ़ा था, तो दोनों को ही बचाने में कोई फायदा नहीं है। उसने अपने मजदूरों से कहा कि मिट्टी डाल के गधे को कुएं के अंदर ही बंद कर दो। तो ठीक है, फिर बात तय हो गई। अगले दिन सुबह जो है जो किसान के मजदूर थे, मिट्टी विट्टी और फावड़ा वगैरह लेके आ गए और उन्होंने फावड़े से मिट्टी कुएं के अंदर डालनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू करी, पहले तो गधा घबराया। उसने कहा कि लो, अब तो लगता है अंतिम समय निकट आ गया। मगर अचानक ही उसे एक युक्ति सूझी। जैसे ही किसान के मजदूर मिट्टी डालते थे, गधा उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ता था और झाड़ करके उसके ऊपर आ जाता था। वो मिट्टी डालते गए, गधा उनको झाड़ता गया और झाड़ के टूट के उसके ऊपर आता गया। धीरे धीरे करते करते कुआं पूरा भर गया और गधा आराम से कूद कर उस मिट्टी को कुएं के बाहर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में जो जीवन को थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग चैलेंज था, उसको कैसे गधे ने अपनी समझदारी, सूझबूझ और विवेक की मदद से उसको बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी में, लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही दोस्तों हमारे जीवन में भी होता है कि जब मुश्किल समय आता है तो हम घबरा जाते हैं। अगर हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल हमारे ऊपर हावी हो जाती है और कोई सोल्यूशन नहीं सोचता। उसके बजाय अगर हम गधे की तरह विवेक से काम लें और उस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, प्रयत्न करें, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल के आएगा। और उसी तरीके से हम जो हमारी बिगेस्ट वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं या जो चैलेंजेस हैं, उसी में से उसका सॉल्यूशंस भी निकल के आ जाएंगे। धन्यवाद। मैं आपके सामने और इसी तरह की प्रेरणादायक